हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2024 से यूएई वीज़ा, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। इसी कारण से अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है या सिस्टम अपडेटेशन है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सबको पता है। तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा, ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अभी जो है वो यूएई का वीज़ा सिस्टम कुछ अलग है, लेकिन 2024 से यूएई का वीज़ा सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। अदर कंट्रीज़ का जैसे वीज़ा होता है, उस टाइप के सिनेरियो में आ रहा है यूएई का वीज़ा भी। बात कर लेते हैं कि यूएई के विजिट वीज़ा में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यूएई के विजिट वीज़ा में जो चेंजेस सुनने में आ रहे हैं, देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी तक। ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जिनकी ट्रैवल एजेंसी हैं, जो पीआरओज हैं, उनको ये अपडेट्स मिलते हैं, तो उनके थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वीज़ा लेने का सोच रहे हैं। तो विजिट वीज़ा में जो चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि अब जो है 90 डेज, 120 डेज, इवन दो 180 डेज, यानी कि 6 महीने का विजिट वीज़ा भी अवेलेबल होगा, लेकिन इसके नाम अलग हो जाएंगे। जैसे कि 14 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ को विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा का नाम दिया जाएगा। 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स का जो वीज़ा है, यानी कि आपका हो गया 90 डेज के वीज़ा से जो भी वीज़ा शुरू होगा अप टू 180 डेज, यानी कि 6 महीने तक का वीज़ा, इसको बोला जाएगा जॉब सीकर वीज़ा। आप लोग बोलेंगे जॉब सीकर वीज़ा तो पहले भी था, लेकिन उसको अप्लाई कितना किया जा रहा था। तो जो जॉब सीकर वीज़ा है ना, अगर आप वीज़ा यानी कि विजिट वीज़ा जिसको भी बोलिए, उससे अगर आपको वर्क वीज़ा में स्टेटस चेंज करवाना है, तो आपका टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं होगा। जो स्टेटस चेंज होगा वो आपका जॉब सीकर वीज़ा टू वर्क वीज़ा ही होगा। हालांकि यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है, ये हाई प्रोफेशंस के लिए ही है। तो अगर आप हाई प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो आपका जॉब सीकर वीज़ा ही लेकर आना होगा, तभी आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होगा। अगर आप अपने होम कंट्री में रहते रहते वीज़ा वगैरह लगाते हैं, तो फिर आपका नॉर्मल वीज़ा, डायरेक्ट वर्क वीज़ा जो होता है, या एंट्री परमिट जो कंपनी भेजती है, उससे स्टेटस चेंज हो जाएगा, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क वीज़ा नहीं होगा। अच्छा, और भी कुछ चेंजेस की बातें बता दी जाती है कि प्राइसेस में थोड़े बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि विजिट वीज़ा का जो प्राइस अभी मिल रहा है, उससे थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं है। हालांकि जो सर्विस फ़ी है वो बढ़ा दी जा सकती है, जिससे आपको 100-150 दिरहम का फ़र्क आपको दिख सकता है, आप लोग अपने करेंसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये विजिट वीज़ा से, विजिट वीज़ा में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो एक तरफ से अच्छा है कि 90 डेज से लेकर 6 मंथ्स तक का वीज़ा आपके लिए अवेलेबल हो सकता है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। विजिट वीज़ा होल्डर्स को एग्जिट करना होगा, फिर से आना होगा, तभी उनका स्टेटस चेंज होगा। इनसाइड द कंट्री स्टेटस चेंज नहीं होगा, चाहे किसी भी नेशनलिटी के हों। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में भी मैंने पहले भी बताया था क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके साथ ही बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं वर्क वीज़ा के अंदर ही भी। जो वर्क वीज़ा है उसको रिफॉर्मेशन किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हो उनको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं वो विजिट वीज़ा में ही हैं, जो मैंने पहले बता दिया आप सबको। तो इस हिसाब से आपको जो है अब वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है आने वाले मंथ्स के लिए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।